सब्जी मंडी, वहाँ से मैंने खरीदा 3.5 KG एप्पल्स। और अभी मैं अपनी सिस्टर के लिए बाय कर रहा हूँ यहाँ से चाप। ये देखो बंगाला सिटी से बाय कर रहा हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया चाप बनाते हैं यहाँ पे, आप लोग आके एक बार ट्राई जरूर करना। तो भाई चाप पैक हो गई है और ये रहा बंगाला सिटी का चाइनीज़ अड्डा। ये देखो साइड, यहाँ पे आपको हर एक आइटम मिल जाएगी चाइनीज़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं यार। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच गया है घर और ठंड बहुत ज़्यादा है। वेल, अभी मैं थोड़ा बहुत कुछ खा के, जो एप्पल्स लाया हूँ मैं मार्केट से, वो खा के वर्कआउट करूँगा, देन उसके बाद देखते हैं आगे क्या शूट करना है। कड़ी कड़ी दिखाओ, कड़ी बन चुकी है। आगे आज की गोश्त रात डिनर में खाएंगे विद राइस, और ये मेरा भाई है जो आज लेके आया है मेरे लिए चाप, मसाला चाप। बट अफसोस की बात है मैंने पकोड़े पहले ही खा लिए हैं, तो अब मेरा दिल नहीं कर रहा ये चाप खाने का, क्या फायदा। मम्मी को दे दे, तू नहीं खाएगी तो क्या फायदा है इसका चाप लाने का आज। मूली 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 है, चाप खोल जल्दी, मजा आएगा चाप खाने का यार। मैं तो नहीं खा रहा, मैं एक आधा पीस लूंगा बीच में से, अब लेके आऊं इतना तो टैक्स लगेगा। मैंने पकोड़े आज खा लिए इतने सारे, देखो तो पकोड़े इसके साथ चाप का क्या मतलब है आज, गलत टाइम पे गलत चीज करने का क्या फायदा। क्या मतलब कहने का, आगे से मत फिर बोलना नहीं। कुछ लेके नहीं है, प्लेट के अंदर सर्व करना इसको। हाँ जल्दी कर, जल्दी खा बाश, गलत टाइम पे नहीं करना चाहिए, डाल इसके अंदर दिखाने लोगों को। टेस्टी लग रही है, टेस्टी है तो लगेगी ही। हाँ ये देखो, तो देखने में ना ऐसे लगता है जैसे ना वो है मच्छी है जैसे मच्छी। हाँ अब इसके ऊपर डाल। वाओ वाओ वाओ, इट्स अमेजिंग। इसके अंदर नींबू भी है ना। हाँ अब मजा आएगा सोया चाप खाने का यार, तो क्या करें कसम से। हाँ अलग डाल ले, प्लेट एक और खाने वाले बंदे कितने, चार, दो दो पीस आएंगे सिर्फ। फोटो शूट हो रहा है इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, ये देखो। दोपहर का टाइम हो गया और तुम्हारा भाई आया है बस स्टैंड पे दही लेने के लिए बाबा जी के पास। बाहर का माहौल दिखाता हूँ आपको, वाइड एंगल कैमरे से देखो, दिन का ट्रैफिक, दोपहर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो भाई, जो पार्सल था वो तो मैंने रिसीव कर लिया, एक नई स्पॉन्सरशिप आई है। वेल घर जाके इसको अनबॉक्स करते हैं, पकड़ ले भाई इसको। सो गाइस फाइनली जो स्पॉन्सरशिप आई थी वेला वीटा ऑर्गेनिक से, उसको अभी अनबॉक्स करता हूँ। यहाँ से तो पहले से ही फटा हुआ था, किसी ने कुछ निकाल तो नहीं दिया। वेल इसको अनबॉक्स करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे स्पॉन्सरशिप में मिली हैं। वेल सबसे पहली चीज़ ये है हमारा, क्या है ये है सी ग्लो फेस वॉश, इसको रखते हैं साइड पे। अब ये निकालते हैं इसमें से और क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई अभी ग्रूमिंग भी करनी पड़ेगी साथ में। ये क्या है, एक्सफ्लोरेटा फेस एंड बॉडी स्क्रब। वेल इसको भी रखते हैं साइड पे, अभी एक्सफोलिएट है वो, चलो जो भी है। अब ये क्या है, स्किन सॉल्व, कोई लोशन वगैरह ही है, ये साइड पे रखते हैं। देखा स्पॉन्सरशिप का फ़ायदा, निकोलिप्स है ये, इसको भी रखते हैं साइड पे। इसके अलावा और भी है एक चीज़, ये है हमारा आई लिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारा भाई अभी ग्रूमिंग के अंदर यूज़ करने वाला है। ये देख लो भाई, ये होता है ब्रांड बनने का असली मज़ा।
तो गाइज अभी बज गए हैं रात के 11:30 और मैंने अपने फिटनेस चैनल के लिए भी वीडियो शूट की है, तो वो मैं कल अपलोड करूँगा। और ये जो ब्लॉग है इसको 2-3 दिन शूट करके छोटे मोटे शॉट लेके फिर मैं अपलोड करूँगा अपने ब्लॉगिंग के चैनल के ऊपर। तो बने रहें वीडियोस के साथ, स्पॉन्सरशिप के साथ। मिलते हैं आपको कल सुबह। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार आज मुझे काम पे जल्दी जाना पड़ेगा, तो आज मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा शायद ही, बिकॉज़ काम बहुत ज़्यादा है, अकेले को काम करना पड़ेगा वहाँ पे। वेल मिलते हैं आपको फिर शाम को या फिर कल। बाय बाय। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच गया है घर, और अभी बजे हैं 7:00 एंड मैं खाने वाला हूँ गच्चक। ये देखो ये लेके आया हूँ, आज आया नहीं हूँ, हैरी लेके आया है ताऊजी से, तो ये खाएंगे इंजॉय करेंगे। तो गाइस मैं हूँ अभी अपनी मारुति में, और आप लोग देख लें बैक कैमरे से, स्टार्ट की हुई है, बहुत ही मुश्किल स्टार्ट की क्योंकि काफ़ी टाइम से खड़ी थी यहाँ पे, चौक लगाया ये देख लो, और बैटरी भी इसकी काफ़ी डाउन हो गई है, तो उसको रिचार्ज करेंगे अभी। ये देखो एक्सीलेटर पूरा दबा दिया मैंने, फुल रेस दी हुई थी, ये देखो क्या हो गया, बाहर निकल गया इसका सारा खून। अब ये फिट करते हैं इस पर। लो गाइस गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, मे बी बैटरी भी इसकी रिचार्ज हो गई होगी। अभी इसको करते हैं बंद एंड थोड़ा सा चलाते हैं, देन कल देखेंगे ये क्या हुआ। हाँ बंद हुई है, ये देखो ये क्या हो गया, बाहर निकल गया सारा का सारा। इसको पानी फेरते हैं थोड़ी देर में। तो यार मैं ना इसको धो ही लेता हूँ आज सबसे पहले। ये देखो सर्फ डाल दिया इसके अंदर, एंड अभी इसके ऊपर भी पानी डाल देता हूँ थोड़ा सा ताकि शाबाश। बाकी तो मैंने उधर डाल दिया था, वेल अब इसको साफ़ करते हैं। तो गाइस पूरी गाड़ी पे मैंने डिटर्जेंट लगा दिया, अभी मैं इसको धोता हूँ।